वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i प्लस xj माइनस k एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू 2i प्लस j प्लस yj आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर। ठीक है, वेक्टर्स गिवन दैट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, तो देखिए देयर आर टू अननोन्स इन दिस इक्वेशन, देयर आर टू अननोन्स, तो टू फाइंड टू अननोन वी नीड टू इक्वेशन, दो अननोन के लिए हमको दो इक्वेशन चाहिए ना। ठीक है, तो हम दो इक्वेशन बना लेते हैं सॉल्व में और उसको सॉल्व कर लेंगे एक वेरिएबल वाले में। तो दो इक्वेशन बनाने के लिए हमको दो कंडीशन दिए हैं उन्होंने, क्या दिया बताइए, कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक कंडीशन है, दूसरा कंडीशन क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ये दिया ना। तो इन दोनों कंडीशन फिट करके दो इक्वेशन बना लेते हैं। तो देखिए म्यूचुअली परपेंडिकुलर कह रहे हैं इसका मतलब क्या होगा बताओ, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन देयर स्केलर क्वांटिटी जीरो है, तो ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, वेक्टर ए वेक्टर बी जो है परपेंडिकुलर है, ये ना जब परपेंडिकुलर है तो इनका स्केलर क्वांटिटी क्या होगा जीरो होगा। तो इससे एक इक्वेशन बना लीजिए, तो चलिए ए इसकी वैल्यू जीरो, तो वैल्यू रखिए क्या हो जाएगा, हो जाएगा 3i और प्लस एफ जे माइनस के डॉट वेक्टर बी इक्वल क्या है 2i और प्लस जे प्लस वाई के इसको तो क्या है जीरो है। अब चलिए मल्टीप्लाई करिए, तो आई ए कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होगा इसके लिए प्रोडक्ट क्या होता है कि आई ए कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करते हैं, जे जे के कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करते हैं, के के कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करते हैं, तीनों को जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए ये इसके लिए प्रोडक्ट हो जाता है, तो चलिए मल्टीप्लाई करिए, तो इसमें आई का कोफिशिएंट क्या है 3, इसमें आई का कोफिशिएंट क्या है 2, इसमें जे का कोफिशिएंट एक्स है, इसमें जे का कोफिशिएंट वाई है, चलिए 1 है, जे कोफिशिएंट क्या है 1 ना, तो 1 लिख दीजिए और इनटू 1 और फर्स्ट में जो है के कोफिशिएंट माइनस 1 है और सेकंड में के का कोफिशिएंट वाई है इसको 0, तो क्या हो जाएगा 6 x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, यहां से x माइनस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 6, इक्वेशन नंबर 1 ये हो गया ना। ठीक है, अब चलिए दूसरा लेते हैं, दूसरा क्या है पहले कि मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या होगा मॉड ऑफ वेक्टर बी है ना, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए कितना हो जाएगा रूट ऑफ जाएगा 3 स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर और प्लस माइनस 1 होल स्क्वायर इसको 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है ना, यहां स्क्वायर में बोथ साइड, तो 9 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 4 प्लस 1 प्लस y स्क्वायर है ना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इसको 4 माइनस 9 प्लस 1 10 हो गया 4 माइनस 10 x स्क्वायर और इसको जो है हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फार्मूला लगा दे रहे थे x माइनस y हो जाएगा x प्लस y हो जाएगा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 6 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 1 x माइनस y को क्या माइनस 6 है ना, इसकी वैल्यू माइनस 6 लिख दीजिए इनटू x प्लस y इसको क्या हो गया माइनस 6, यहां से x प्लस y क्या हो जाएगा x प्लस y 1 हो जाएगा, x प्लस y क्या हो जाएगा x plus y is equal to 1 और x minus y equal क्या है x minus y equal to minus 6 है, तो there are two unknowns and two equation। ठीक है, solve these two equations simultaneously and get value of x and y ना, इसलिए क्या करते हैं 1 और 2 को add कर लेते हैं, जब add करिएगा तो y square plus y minus y कट जाएगा, तो x plus x equal to क्या 1 minus 6 हो गया, x is equal to minus 5 by 2 हो गया ना। अब x की वैल्यू इसमें रख देते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन 1 माइनस 5 बाय 2 प्लस y इक्वल टू 1 हो गया, यहां से y इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 5 बाय 2 ना, यहां से y इक्वल क्या देगा 2 प्लस 5 बाय 2 तो y इक्वल टू 7 बाय 2, तो इस तरह से x y की वैल्यू आ गई। देखिए क्या दे रहे हैं आंसर, हटे आंसर ऐसे चेक करिए, देख लिया x की वैल्यू माइनस 5 बाय 2 y वैल्यू 7 बाय 2 इसकी वैल्यू माइनस 31 बाय 2 नहीं ये है x की वैल्यू 5 है ये
नहीं बस नहीं।